नमस्कार, आप देख रहे यूपी 100 न्यूज टीवी। अपना बूथ करो मजबूत संगोष्ठी पूर्व सांसद श्रीमती सुशीला सरोज जी की उपस्थित में पूर्व विधायक श्री मनीष रावत जी के नेतृत्व में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कमलाकांत गौतम जी का हुआ भव्य स्वागत। इस अवसर पर सिधौली ब्लॉक प्रमुख श्री रामबख्श रावत, जगनलाल बाबूराम रावत, विधानसभा अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव, चित्रकेश यादव, विधानसभा मीडिया प्रभारी आसिफ मुसीर, मोहम्मद हसीन इरदीस, मोहम्मद रफी, मोनू गौतम, संजय गुप्ता, राम नरेश रावत, राम स्वरूप रावत, पूर्व चेयरमैन अवधेश श्रीवास्तव, दिनेश गौतम, नत्थाराम गौतम, नगर अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, राजीव यादव, पीयूष शुक्ला, मुकेश तिवारी, सरोज प्रजापत, सुधीर रावत, पंकज यादव सहित सभी पदाधिकारी व हजारों की संख्या में कार्यकर्ता साथियों को संबोधित कर आगामी 2022 में सिधौली से श्री मनीष रावत जी को भारी बहुमत से जिताकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दिलाया। सीतापुर से मोहित श्रीवास्तव के साथ आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। सब कुछ उल्टा है और फिर ये चुनाव आने वाला है। जो चुनाव आएगा फिर आपके खाते में पैसा आएगा, गेहूं अनाज फिर फ्री मिलेगा, इसलिए क्योंकि 5 साल का हिसाब किताब उनको बनाना है ना, तो ले लीजिएगा चुनाव निशान समाजवादी पार्टी साइकिल को ही दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैं विधायक रहा क्षेत्र में, तब भी मैं आपके बीच में रहा हूं, और 5 साल नहीं विधायक रहा मैं तब भी आपके बीच में रहा हूं। हमने कभी विधायक के भाई बेटा बन के मैंने काम किया है, और मिलकर के जो काम कराया था, जहां पे काम छूटा पड़ा है आज वही काम पड़ा हुआ है। सड़कें बात करते गड्ढा में, हम तो निकलते गड्ढा ही तो सड़कें हो गई है, इतनी सड़कें खराब जिसका जवाब नहीं। आप समझ लीजिए आज पूरी तरह से थानों की स्थिति क्या है, इतनी लूट है थाने में, अगर एप्लीकेशन पहुंच गए तो आप समझ लो 1000-2000 रुपए से कम नहीं लिया जाएगा। तहसील चले